प्रखंड सभागार घाघरा में पुस्तकालय के संचालन को लेकर एसी सुधीर प्रसाद गुप्ता ने जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं प्रखंड कर्मियों के साथ एक बैठक की। सुधीर प्रसाद गुप्ता ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को आगामी 22 फरवरी से पुस्तकालय संचालन को लेकर एजीएम सदस्यों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय संचालन समिति के चुनाव के लिए निर्धारित शुल्क 500 लेकर एजीएम सदस्य बनाएं, जो संचालन समिति के लिए अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव करेंगे। उन्होंने बताया कि पुस्तकालय संचालन में सेवानिवृत्त शिक्षाविद, समाजसेवी, मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, व्यवसायी, प्रबुद्ध नागरिक को शामिल करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभिन्न पंचायतों के मुखिया को अपने पंचायत क्षेत्र से 2 से 3 व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर संचालन समिति में शामिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिक्षा दान महादान है, सामूहिक प्रयास से होगा सबका कल्याण। इसी भावना को लेकर पुस्तकालय के संचालन में घाघरा प्रखंड के नागरिक अपना योगदान देकर आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बैठक में उपस्थित लोगों को बताया कि पुस्तकालय सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित होगा। पुस्तकालय में पढ़ने वाले छात्रों को सदस्यता शुल्क 200 प्रतिमाह देना होगा। इस न्यूनतम राशि के साथ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पुस्तकालय में वर्ग 9 से 12वीं तक की कक्षा के विभिन्न विषयों की पुस्तकों एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की पुस्तकों, पेपर मैगजीन सहित ग्रुप डिस्कशन, कंप्यूटर शिक्षा और नेट फैसिलिटी का उपयोग कर अपने शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए आसान तरीकों से लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे पूर्व एसी ने टाना भगत इंटर एवं डिग्री कॉलेज में छात्रों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करते हुए पुस्तकालय का लाभ उठाने की बात कही। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। पुस्तकालय संचालन किस उद्देश्य किया जा रहा है? ये घाघरा में आप सबको पता होगा कि हमारे उपायुक्त महोदय के आशीर्वाद से, उनके सोच से पुस्तकालय बन रहा है, आपने देखा भी है। अब यह 31 मार्च तक इसको अनिवार्य रूप से चालू कर देना है। बिल्डिंग भी लगभग तैयार हो गया, थोड़ा बहुत काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हम लोग, चूँकि इस पुस्तकालय का संचालन का जवाबदेही स्थानीय नागरिकों को, समाजसेवियों को, बुद्धिजीवियों को, सेवानिवृत्त लोगों को दिया जाना है, तो उसके लिए एक विहित प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। उसका जनरल बॉडी मीटिंग, उसका संचालन समिति का गठन, तो उसी के निमित्त आज स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक आहूत की गई थी और बस उसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि 31 मार्च से हम लोग 30 मार्च से बच्चों को यहाँ पाठन का काम शुरू करवा सकें। पुस्तकालय में सर कक्षा के विषय की पुस्तक रहेंगी या प्रतियोगिता? नहीं, इसमें क्लास 9 से लेकर के अप टू जितना भी कंपटीशन है, सभी प्रकार की पुस्तकें रहेंगी, कंप्यूटर रहेगा, और बीच बीच में अगर पुस्तक घटेगा जो बच्चे रिकमेंड करेंगे उनको हम लोग मंगवाते भी रहेंगे।